स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। और इस नाते हमेशा तुम पे भरोसा किया हमने राधा, पर जब आज हम पे भरोसे की बात आई तो आप इन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं राधा। राधा ये लोग सब झूठे हैं, झूठे ये लोग सब इस गोपी को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है कि उमंग का असली कातिल कौन है। दीप्ति तुम्हारा नाटक खत्म। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द की हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो हमारे पास इस मोबाइल में सुरक्षित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कह रही है बाटी? ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। राधा राधा ये लोग सब क्या बोल रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राशिमैन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी पे इस तरह के इल्जाम लगाने की? वो इसलिए राधा क्योंकि हमारे पास सबूत है। देखो इसे गौर से। तुमने सुना ना तृप्ति ने क्या कहा? ये तुम्हारी भाभी नहीं है, उमंग की पत्नी है और अब उमंग की विधवा है। इतना ही नहीं राधा, उमंग ने तुमसे शादी का नाटक सिर्फ इसलिए रचा ताकि ये दोनों पति पत्नी मोदी परिवार को लूट सके। राधा तूने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है, फिर भी तू अभी भी इसका साथ दे रही है। देख तेरे कितने भी चिल्लाने से झूठ नहीं बदलने वाला। दादा इन लोगों की बातों में प्लीज बता रहा, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, भला मैं उमंग को क्यों मारूंगी? पता नहीं क्यों ये लोग सब हमें कातिल ठहराने में तुले हुए। आगे एक शब्द भी नहीं तृप्ति। तो यही है जो तुमने अभी अभी उगला है, जिसमें तुमने खुद अपने मुंह से कहा कि उमंग हम आपकी पत्नी हैं।
इतना ही नहीं, तुम दोनों पति पत्नी ने जिन जिन लोगों से बड़ी बड़ी रकमें ऐंठी है, उन लोगों को मैं गवाह और सबूत के तौर पर सामने ला सकती हूँ। और इतना ही नहीं, जिस शानदार बंगले में रह रहे हैं और तुमसे कहा कि ये हमारा घर है, ये घर इनका नहीं है, कुछ दिनों के लिए इन्होंने भाड़े पर लिया, और राधा ये उमंग की भाभी कैसे हो सकती है, क्योंकि उमंग का कोई भाई था ही नहीं। नहीं राधा तुम इनकी बातों में मत आना, ये लोग सब झूठ कह रहे हैं, ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं। अरे ये सच नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। राधा मैंने तुझे उमंग के बारे में सच बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं इन दोनों ने तुझ पर क्या जादू कर रखा था कि तू मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो रही थी। राधा ये लोग सब हमें फंसाना चाहते हैं और उस गोपी को बचाना, ये गोपी एक नंबर की झूठी है, झूठी बस। आगे एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तृप्ति, इतने समय तक तुम्हारी मनमानी सहन करती रही, तुमने जो भी बकवास की उसे चुपचाप सुनती रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं था, लेकिन अब सबूत है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए अब मेरी गोपी वह के लिए एक लफ्ज भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और सिर्फ इसी औरत की वजह से आपको निर्दोष होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतना बड़ा धोखा, मेरी दोनों बच्चियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा, तूने और तेरे पति ने मेरी दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे क्यों किया इतना बड़ा धोखा, बोल। तुम्हें ऐसी औरत पर हाथ उठाकर आप अपने हाथ क्यों मैले कर रही हैं? तृप्ति कातिल है और इसे सजा जरूर मिलेगी। तुरंत यहां बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से मोदी भवन पहुंचे। राधा राधा ये सब क्या हो रहा है, राधा प्लीज रोक लो ना इन्हें। राधा हमने उमंग का खून नहीं किया है, ये लोग तुम्हारी भाभी को फंसाना चाहते हैं, बचा लो हमें राधा। तृप्ति हमेशा तुम पे भरोसा किया हमने राधा, पर जब आज हम पे भरोसे की बात आई तो आप इन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। राधा राधा ये लोग सब झूठे हैं, झूठे ये लोग सब इस गोपी को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया।
इंस्पेक्टर, हमें उमंग की असली कातिल का पता चल गया है। उमंग की असली कातिल है तृप्ति। इंस्पेक्टर, इसमें तृप्ति का हलफनामा है जो हमने रिकॉर्ड किया है। लीजिए। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं ना कि आप राधा के बापूजी ने जो भी पैसे दिए थे वो लेके बाहर जाना चाहते थे। आपने तो एयर टिकट भी बुक करवा ली थी ना, इस वजह से हमने आपके साथ झगड़ा कर लिया और इस झगड़े में मैंने आपको धक्का मारा और आप वहां पड़े चाकू पर गिर गए और आपकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उमंग की असली कातिल तृप्ति है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये लोग ने जबरदस्ती हमसे दरा धमका कर ये बयान लिया। हमने उमंग का खून नहीं किया। राधा, कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो। राधा, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस खूनी औरत को। ये औरत नहीं है, औरत के रूप में जहरीली नागिन है। नागिन, इसने मेरे दोनों बच्चों के जीवन में जहर घोल दिया। ले जाइए इस औरत को और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि फिर ये दोबारा ऐसा करने का सोच भी ना सके। तृप्ति, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। तुम्हारे पाप का घड़ा आज भर ही गया। गिरफ्तार कर लो इसे। हमने कुछ नहीं किया, हमने उमंग का खून नहीं किया, हमें नहीं छाना जेल। छोड़ो, छोड़ो हमें। तृप्ति, आपको सजा कानून और पुलिस क्या देगी? अपने कान्हा जी की सौगंध खा के कहती हूँ, आपको सजा मैं ही दूंगी और ऐसी सजा दूंगी कि ना ही आप जैसे जी पाएंगी ना ही जैसे मर पाएंगी। चलिए मैडम, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने उमंग का खून नहीं किया है। छोड़ दो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।